नमस्कार दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के 10 पर्यटक और धार्मिक स्थलों के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना ना भूलें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। 10वें नंबर पर बात करें तो डोंगरा डैम, जो कि राजनांदगांव से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है, इसलिए लोग इस जगह पर घूमने के लिए आते ही रहते हैं। नौवें नंबर पर बात करें तो बैतार रानी घाटी, जो पहाड़ों को काटकर बनाया गया है। घाटी की दूरी की बात करें तो रायपुर से 114 किलोमीटर की दूरी पर है और राजनांदगांव से 75 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस घाटी में पहुंचने से पहले लेफ्ट में मिलेगा चिंगारी बांध, और यह बांध समुद्र जैसा फैला हुआ है, इसलिए लोगों का यहाँ पर जमावड़ा लगा ही रहता है। आठवें नंबर पर बात करें तो डोंगेश्वर महादेव मंदिर नांदगांव के पर्यटन स्थल में से एक है, और यहाँ पर नंदी जी के मुख से 12 महीने शिवलिंग पर जल चढ़ता रहता है और 12 महीना यहाँ पर आपको हरियाली नज़र आएंगे, इसलिए इस जगह पर काफ़ी लोगों का भीड़ लगा ही रहता है। सातवें नंबर पर बात करें तो माँ भानेश्वरी मंदिर सिहोला, जो कि माँ भावेश्वरी का हृदय स्थल भी माना जाता है, और यहाँ पर मंदिर का मुख्य आकर्षण है तालाबों के बीचों बीच यह मंदिर बना हुआ है, इसलिए लोगों का यहाँ पे भीड़ लगा रहता है। और दूरी की बात करें तो राजनांदगांव से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए लोगों का यहाँ पे भीड़ लगा ही रहता है। पाँचवें नंबर पर बात करें तो प्रधान पाट बैराज, जो कि घने जंगलों और पहाड़ों के बीच स्थित है और यहाँ राजनांदगांव से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और प्रधान पाट बाबा का मंदिर स्थित है और यहाँ मनोकामना भी पूर्ण होती है। चौथे नंबर की बात करें तो मनगटा जंगल सफारी, और यह रायपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, राजनांदगांव से 27 किलोमीटर की दूरी पर है, और यह जंगल सफारी के अलावा बच्चों के लिए एडवेंचर क्लब और रिसोर्स देखने को भी मिलेगा, और इस जंगल सफारी में सभी प्रकार के जानवर देखने को भी मिलेगा, इसलिए लोग इस जगह पर घूमने के लिए आते ही रहते हैं। तीसरे नंबर की बात करें तो माँ पाताल भैरवी मंदिर, और यह राजनांदगांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यहाँ का मुख्य आकर्षण केंद्र जो बना हुआ है 108 फीट का शिवलिंग, जो 3 स्तरों में बना हुआ है, और शिवलिंग के सामने पर विशाल नंदी जी स्थापित है, और यहाँ मेला भी लगता है शिवरात्रि के समय पर। मंदिर के अंदर माँ पाताल भैरवी का स्वरूप स्थापित किया गया है। दूसरी मंजिल पर नव दुर्गा का स्वरूप स्थापित किया गया है, और तीसरे मंजिल पर किया गया है विशाल 108 फीट का शिवलिंग, जो इस कारण से यहाँ पर लोग दर्शन के लिए घूमने के लिए आते ही रहते हैं। दूसरे नंबर की बात करें तो शंकर दहरा, जो नदी पार करके मिलता है सतबहिनी मंदिर, और यहाँ राजिम के बाद दूसरा मोक्ष धाम कहा जाता है, जो कि शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है, जहां शिव जी और नंदी जी का विशाल प्रतिमा स्थापित किया गया है, इसलिए लोगों का यहां पे जमावड़ा लगा रहता है, घूमने के लिए आते ही रहते हैं। पहले नंबर पे बात करें तो माँ करेला भवानी माता, और यह मंदिर पहाड़ों के ऊपर स्थित है, जो कि रायपुर से 100 किलोमीटर की दूरी पर है और राजनांदगांव से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सीढ़ियों की बात करें तो 1100 सीढ़ी यहाँ पे बना हुआ है, और इस जगह पे दूर दूर से श्रद्धालुगण आते रहते हैं माता के दर्शन के लिए। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।
अगर आप मेरे चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे।